अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टिपिकल टॉक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ शहज़ीन, मैं बागी हूँ। तो बात करेंगे माशरे के बढ़ते हुए वायरस की, यानी सस्ते आशिक। आशिक दो तरह के होते हैं, वो आशिक जो हर दो महीने बाद अपनी बंदी बदल कर कहते हैं यही मेरा प्यार है, इसी के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, और जब वही बंदी उनको दो दिन बाद किक मार कर निकल जाती है तो फिर दो दिन का सॉन्ग बनाने के बाद फेसबुक पर सर्च कर रहे होते हैं न्यू गर्ल्स नंबर पापा की परी। और जो दूसरे आशिक होते हैं इनसे तो अल्लाह ही बचाए, ना ही क्लास में ही बंदी की तलाश में निकल जाते हैं, और जब कोई बंदी सेट हो जाए तो पूरा दिन लव सॉन्ग सुनते रहते हैं, और जब वो बंदी किसी इनको किक मार दे तो पूरा दिन सैड सॉन्ग्स और गंदे शेर व्हाट्सएप पर लगा कर दूसरों को तंग करते हैं। तो नाज़रीन मौजू पर रोशनी लाने के लिए हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ऑफ द आशिक सोसाइटी और आप सबके फेवरेट अंकल हत्ती। और वन द ओनली तहावर और छल तो सारी मेहमान काबिल चला रहा था और ना काबिल इज्जत है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, मैं ए जानवरों मैं बताऊंगा कौन बोलेगा। तो चेयरमैन साहब आप बताइए, आशिक इतने फारिग, इतने वेले, हर वक्त फारिग क्यों रहते हैं, हर वक्त बंदी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हाँ शहरी, ये जो इश्क है ना, ये रूह की खिजा है। हाय इश्क हाय बैठे बिठाए नौलत दिखाए हाय। हो गई बकवास, बन गए कूल, आगे सुए चले, जिससे पूछा था वो जवाब दे। जी चेयरमैन साहब। जी शहरी, जहरी ये जो इश्क है ना, मैं समझता हूँ हर इंसान की ज़रूरत है। ये इस ज़रूरी नहीं कि इश्क सूरत देख कर हो, इश्क सीरत देख कर भी हो सकता है। बिल्कुल शेरी, मैं इनकी बात पे इत्तेफाक करता हूँ। तो बेटा चुम्मी लो ना, इनकी नंबर ले लो, बात कर, गप्पे लगाना रात में, साले खुश रहे। हत्ती साहब आपको अपनी बकवास करने का मौका मिलेगा, आराम रखिए, अपनी गंदगी अभी से ना फैलाएं। शेरी वैसे भी आपने इन फजूल लोगों को क्यों बिठाया हुआ है, इनका और काम है ही क्या, सड़क पे शाड़ेबाजी करने या खूबसूरत बच्चों को घेरने? बेटा बात तो ये है, आपने फजूल कैसे बोला। बेटा आप जैसे बच्चों के ना नंबर को मैं ना बसों की सीटों के पीछे लिखूंगा, अगर ना ही लिखी हो ना तो मेरा नाम बदल देना। और बेटा बात ये, अपनी शक्ल देखी है बुड्ढे तूने, बेटा मेरा बेटा आप जैसे बच्चे तो बच के रहना मेरे से, बुड्ढे ऐसा घेरूंगा ना अगले चार दिन तक याद रहूंगा, याद रहे। तो चार दिन बाद आप कहाँ जाएंगे? बेटा आप भी चिकने होंगे से। मैंने कहा था ना तुम लोगों ने, तुमने फजूल लोगों को ही बिठाया भाई, इनके हाथ तो देखो बेटा, आप आके चौल रहे हो। बोले अपनी बात, मुझे आशिक के किस्से सुना रहे हो, आशिक के किस्से सुना रहे हो, लग रहे हो तुम। अबे चुप, आशिक के किस्से सुनाओगे तुम बुड्ढे में, आशिक बात ही कर रहे हो तुम, वो वैसे ही एक तारू बुड्ढा है। आशिक के किस्से सुना दो, कॉलेज की बच्ची पर हाथ। बेटा तारू बुड्ढा जिसको आपने कहा ना, वो आपकी ना, उसके क्यों लड़ते रहते हो, हर वक्त लड़ते रहते हो, हर शो में लड़ने शुरू हो जाते हो, क्या काम है लड़, क्या मजा आता है लड़ने से? खैर तुम लड़ो मरो जो करना है करो, हमारे से कोई लेना देना नहीं। नाज़रीन आपको बात बतानी थी कि जो रिप्लाई था, रिएक्शन जो कि शामी रिवाज पे दिया गया था जैसे कि, तो वो एक अलग चीज़ है, और जो टिपिकल टॉक है वो तो हर वक्त ही चलता रहेगा और वो एक अलग चीज़ है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।